बरनाला जिले में आज एक बड़ा सड़की हादसा हो गया, जहां भोग में शामिल होने जा रही महिलाओं और बच्चों से भरा छोटा हाथी पलट गया। छोटे हाथी में सवार 35 के करीब महिलाएं और बच्चे घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौत हो गई। घायलों को बरनाला के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया। एक 1.5 वर्षीय बच्चे सहित कई महिलाओं की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पटियाला के लिए रेफर कर दिया गया। पंजाब सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए 35 महिलाएं और बच्चे भोग में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जबकि पंजाब सरकार के स्पष्ट आदेश हैं कि भोग में 20 से ज़्यादा लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। पुलिस ने छोटा हाथी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एकदम से ज़्यादा मरीज आने के कारण अफरा तफरी मची दिखाई दी। आज़ाद टीवी न्यूज़ के लिए बरनाला से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। सर सानू तो 108 तो उपरों कॉल आई थी कि ऐ करके पधौड़ा रैफर होया कि इसलिए एक्सीडेंट होया बहुत भारी, काफ़ी बंदे सीगे 20-25 जने से। हम उद्दूद असी उत्थे जाके देखा जी, उस असी 3 पेशेंट असी लेके आए। असी भोग ते चले सीगे जी, छोटा हाथी सीगा जी, उस 35-35 बुढ़िया बुढ़िया सी कल्लियां। असी तो बंदे तो चले गए सी मोटरसाइकिल ते, असी पहुँच गए सी पधौड़ जी, रामगढ़ तो टैंपू चलिया सी, दीपगढ़ लंघन सार जी टेंपू पलट गया, तो कंट्रोल ही नहीं होया बस। उतो छोटा हाथी कुछ नहीं सी मूहरे, बस वो तो आप ही नहीं कंट्रोल ही नहीं होया जी, फिर झोल जी बज गई, बस नाल दी नाल पलट गया जी। जख्मी टोटल तकरीबन सारे ही है जी। रास्ते च टैंपू पलटन करके ये सारिया सट्टा बचिया ने साढ़े को। टोटल इतने 19 मरीज लियाते गए हैं, जिन्होंने 17 फीमेल है, 1 मेल है, तो 1 बच्चा है। 11:30 बजे के करीब साढ़े को एंट्री हुई है। ज़्यादातर जी है सट्टा वह सिर ते लत्तां बाहां दे सट्टां बचिया। साढ़े को टोटल 5 पेशेंट है जिन्हों के मतलब बोन फ्रैक्चर है। देखो एंबूलेंस है, मैं उस वेले जो इतने पेशेंट आई नाल दी नाल बाहरों बुला लिया सी, पर जिहड़ी साडी भदौड़ दी एंबूलेंस है वह इन्हां दी कंपनी जिहड़ी कंपनी ये चला रही है, उन्हें उस कंपनी का जिहड़ा मतलब इस उरों दी एंबूलेंस का स्टाफ है वह बरनाले एडवांस लाइफ स्पोर्ट एंबूलेंस आई है,